क्लासरूम से बच्चे ने गाया ऐसा गाना, मच गया धमाल, क्योंकि इसके बोल ही ऐसे हैं, जिसने सुना वह सुनता रह गया। पहले आप इस वायरल वीडियो को देखिए। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं भारत साधना न्यूज। करीब 1.5 माह पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो श्री राम पर लिखे गए कई अनेक भजन सभी ने सुने होंगे। इन भजनों में से एक भजन, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, इस भजन ने लोगों के दिल में ऐसी छाप छोड़ी कि काफ़ी हिट हुआ और लोगों ने इस भजन की काफ़ी तारीफ की। मगर इन दिनों इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा इस भजन की तर्ज पर गीत गा रहा है, जिसके बोल हैं, मेरी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। यह वीडियो इन दिनों काफ़ी वायरल है और लोग इस गीत के साथ बच्चे की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। इस गीत से अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिल रही है। सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वाति मिश्रा का भजन, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, इस भजन को ट्वीट किया था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका गाना ट्वीट करके आपकी काफी तारीफ की है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने अपनी स्टोरी में लगाया। जी, इंस्टाग्राम पे सबसे आ रही, सोशल मीडिया पे ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। जी, क्या विश्वास हो पा रहा है इस बात को लेकर? नहीं, मैंने 50 बार चेक किया है कि मोदी जी है ना 50 बार चेक किया मैंने। हाँ जी, जिस गाने को उन्होंने रिट्वीट किया है और साफ तौर पर काफी तारीफ की है, तो उसको जरा गुनगुना दीजिए 2-4 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। जी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या अब इस बच्चे के हौसला अफजाई के लिए इस गीत को ट्वीट करेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस बच्चे के हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्वीट करना चाहिए या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई खबर के साथ में। जब तक के लिए मैं मनोज कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।